क्रोध में डूबी हुई जॉन की वो आत्मा आज भी कंचना महल में भटक रही है। कंचना महल आग की भेंट चढ़ गया, कोई भी जीवित नहीं बचा। कहते हैं आज भी जो उस महल में जाता है वो जीवित वापस नहीं आता। वक्त के साथ कंचना महल को भूतिया महल कहा जाने लगा, इसीलिए वहां ताला लगा दिया गया, क्योंकि वो कंचना महल अब भूतों का कब्रिस्तान बन चुका था। 10 साल बाद प्रोड्यूसर साहब सलाम। अरे बाबा जा देखो, धूम मचा हुआ है, बॉक्स ऑफिस से हिट है। अरे मैं तेरे को बताता है ना, बाहुबली का ना रिकॉर्ड चकना चूर कर देगा। अरे मैं तेरे को बोलता है नहीं, फेसबुक ट्विटर सब मैगजीन में छाप दे। अरे ठीक है पैसा लाया तो अंदर आना बड़ी, नहीं तो बैठे रहो। क्यों बेटा, कोई कहानी सुनाने आए हो? हाँ काका, उस जमाने में ये चोपड़ा बिमल रॉय पहले मन ही कहानी सुनाते थे, मारा ठप्पा लगने के। अच्छा अच्छा, फेंकने की भी हद होती है सर। आज आपने कहानी सुनाने के लिए बुलाया था। आज बोला था, आ जाओ बाबा। जी सर। अगर इसकी स्टोरी खराब हुई तो इसकी किडनी निकाल के बेच दूंगा। तुम्हारी कहानी ना बाबा? हाँ मेरी है। ये आजकल पूछना पड़ता है बाबा, क्योंकि कल के दिन कोई मेरे पे कोर्ट केस करेगा ये बोल के कि मेरी कहानी है, तो केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए ना बाबा। वैसे पिक्चर का टाइटल क्या रखा है बाबा? छोटा बजट बोला था नी, अब पीरियड फिल्म बोलता है, ब्लास्ट का बात करता है। वो तो हम ग्राफिक्स में निपटाएंगे ना सर। क्या ग्राफिक्स के लिए यूएस जाना पड़ता है, उल्लासनगर में थोड़ी होता है, और उनके बिल पे डबल जीएसटी लगता है बाबा, और उसके ऊपर अगर सांप को डंक मारने का शॉट देना है तो $15 लाख लगता है। ये सच्ची कहानी है क्या? नहीं सर, ये कहानी एक पुरानी इंग्लिश फिल्म से इंस्पायर्ड है। इस कहानी को मैंने थोड़ा इंडियनाइज कर दिया और नई जनरेशन के हिसाब से चेंजेस किए। पता नहीं क्या लिखा होगा। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट है बाबा? किस तरह की स्टोरी चाहिए सर? स्टोरी चाहिए नहीं, कॉमेडी के साथ साथ एक हीरो और एक कॉमेडियन। पता ही नहीं चलना चाहिए हीरो कौन है, कॉमेडियन कौन। थिएटर में लोग सोचते रहेंगे कि हीरो कौन था और कॉमेडियन कौन था, इसी बात में सस्पेंस क्रिएट होगा नहीं बाबा। बस सिंधी पापड़ से मसाला ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद थोड़े सॉन्ग्स डाल दो। हीरो बहरे विलन को ललकारता है और तभी हीरो की अंधी माँ उसे अपनी लेटेस्ट पेंटिंग दिखाने के लिए ढूंढते हुए आती है और विलन टूटी लाठी उसके कनपट्टी पे रख देता है। वो शूट करने ही वाला होता है कि हीरो स्लो मोशन में बंदर माफिक जंप मारता है और विलन को जूम आउट शॉट में पटकनी दे देता है। हाँ? कैसा लगा सीन? क्या बात है, मजा आया ना? पिक्चर तो ब्लॉकबस्टर होगी। थैंक यू। वैसे हीरो का रोल कौन कर रहा है? मैं खुद ही करने की सोच रहा हूँ। क्या हो गया बेटा, क्या देख रहा है? नहीं कुछ नहीं, बद्दा गांडा थे यार। और इंटरवल खत्म होते ही एक गाना शूट होगा और एक क्यूट सी लड़की हीरोइन होगी और उसके साथ मैं लव सीन करूंगा। किसिंग सीन तो होगा ही, तो सोच रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को ले लूं। छे मम्मी, क्या हुआ? कहाँ हो? क्या हुआ बोलो ना, सब छोड़ो मेरे साथ आओ। अरे बाबा आ रही हूँ, आओ जल्दी आओ। अरे सचित कहाँ? देखो ये क्या किया, कौन से रंग का फैन लगाया? ब्राउन कलर का फैन ही तो बोला था ना। इस फैन से मेरा रूम कितना गंदा लग रहा है, मुझे व्हाइट फैन चाहिए। फोन पे बात करोगे तो ठीक से कहाँ सुनोगे, व्हाइट कलर का फैन लगाओ। ठीक है मैडम। हाँ। लगा देता हूँ। कैसे लल्लू को भेज दिया। हेलो मैम, हम सिटी केबल से टीवी इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। ये स्विच से दूर रहना, चिप्स मुझे नहीं खिला सकता, मोटा कहेगा। ऑन क्यों किया? शॉक जो देना था। अरे भाई जरा यहाँ पर आना। आ रहा हूँ सर। बुलाया सर? जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर अच्छे से ड्रिल कर दो। ठीक है? ठीक है सर। बाथरूम का फ्लश ठीक कर दो, तुम्हें प्लम्बर का भी काम आता है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ढंग से काम करना सीखो, काम तो आता नहीं है बस पगार बढ़ाओ। फरवरी की 30 तारीख को आ जाना।
सारा काम हो गया मैडम। वो एसी का पॉइंट लगा दिया? हाँ लगा दिया। कितना हुआ टोटल? मटेरियल का हो गया 700 रुपए और वर्क लेबर का 700 और दे दीजिए। 1400 रुपए में तो पगार पे रख लूं मैं तुम्हें। ये लो 1000 रुपए पकड़ो। नहीं 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 मैडम, मैंने एसी की भी पूरी वायरिंग किया, समझा कीजिए। हाँ बोलिए। इंस्टॉलेशन के 1500 रुपए हुए हैं। दीवार पे एक टीवी टांगने के 1500 रुपए? हाँ सचित ब्रो। सुन यार, वो राघव ने थोड़ी देर पहले फोन किया था, मैं अभी फोन कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ बता रहे हैं। अपन को भी किया था मैन, बात हुआ उससे, बोला कि डायरेक्ट रूम पे जाएगा मैन। यू आल्सो गो। अच्छा ठीक है। अच्छा है मैन, कितना गोरा करेंगे इस टकले को। I already gave my kiss. Now your turn. इमरान हाशमी की फिल्में नहीं देखी? वो गहरी वाली कुच्ची दो ना, ऐसे होंठ फेविकॉल से जुड़ जानी चाहिए। सिर्फ मैंने दी है, अब तुम भी दो। वो कौड़ी और भालू किसको डरा रहा है मैन? हे मिस्टर। अरे इसको दिख रहा है। अरे मेरा भी दिख रहा है। तुम क्या करता इधर? मैं कपड़े सुखा रहा था, तुम जाओ ना यार। मैंने साइबर कैफे लॉन्ड्री नहीं है। बॉस सच सच बताओ, किसमें तमीज नहीं है, मेरे में या आप में? दूसरों के केबिन में ताका झाकी करते हो, बिना कमीज मेरे को देखते हो, अब जाइए ना। अरे जाओ ना बॉस। ए चल फुटना, मामूली रिक्शे वाला कहीं का, भागना। बेबी कॉकरोच आ गया था, डिस्टर्ब कर रहा था, बस दो ही मिनट है। अरे मेरी प्राइवेसी। चिंदी चोर, बड़ी मुश्किल से मिली मोहब्बत पर नजर डालता है। चल भाग। हाँ बोल यार। ए सचित ब्रो, क्या करता मैं? कब से तुमको फोन कर रहा है? रूम में हूँ, सो रहा था। आपका टाइम सोता ही रहता है। अच्छा राघव उधर है? एक्चुअली उसका मूड थोड़ा खराब है, वो छत पे बैठा हुआ है। अपना भी कंडीशन कुछ वैसा ही है। अच्छा ब्रो तू उसको लेकर अपने अड्डे पर आएगा, भाई पे मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ब्रो एक फेवर करेगा, फ्रिज के बाजू में ना अपन ने एक बॉटल रखा है, वो लेकर आएगा साथ में। हाँ शिट मैन। ए राघव, विमल का फोन आया था, उसने हम दोनों को अड्डे पे बुलाया, चल। नहीं यार, रात को एक काम से बाहर जा रहा हूँ, तू जा कर। अबे यार इतना भी क्या जरूरी काम है, चल ना बाद में कर लेना काम, चल। अबे चल ना। अरे शू यार। शू था भाई, बाइक खराब हो गई? क्या होएगा, पेट्रोल खत्म हो गया। ए सचित गिव मी पेट्रोल मैन। मैं भूल गया यार। व्हाट बगर, अभी तेरे को पनिशमेंट मिलेगा, अब तू ही मेरी बाइक को धक्का मारेगा, पकड़ इसको। चलो ड्रिंक करते, पैसा निकाल ब्रो। हैं मेरे पास नहीं है भाई। मेरी तरफ तो देखी मत। तुमको क्या लगता है ये बार वाला अपना फादर इन लॉ है? अच्छा हुआ तुम लोग दोनों मुझे लेने आ गए, मैं तो सोच रहा था मेरी बीवी मुझे लेने आएगी लेकिन आई नहीं, अब घर जाके थोड़ी पीऊंगा। हाँ बोल विमल। श्री है क्या फ्री, किधर है मैन? इतने से सिम्मी के साथ है। तू काम बोलना ब्रो, अभी तू इधर आने को सकता है क्या? क्यों क्या, घंटी बजी अपन इधर पीने को आया पर तीनों की जेब खाली है,
ब्रो यू प्लीज कम ना, थोड़ा मुश्किल है। बरदाम पूछ के बताता। क्या बोला उसने? सिमी क्या है? मेरे दोस्त अर्जेंटली किसी काम से बुला रहे हैं। मी जाउनियो का? तुम्हारे निकम्मे दोस्त, उन्हें नहीं बताया कि उनसे अब नहीं मिलोगे? बताया तो था। तो किस लिए फोन किया बेवड़ों ने? जरूर फुकरे भिखारियों को तुमसे फ्री की दारू पीनी होगी, मना कर दो। हाँ ब्रो, सिमी क्या बोली? तू खुद गेस करना। जरूर हमको भिखारी लोग बोली होंगी। तेज बोली। एंड ये भी बोली होंगी कि फ्री का दारू पिलाने का कोई जरूरत नहीं है ना? तुम बोलो मैं क्या करे? पानी पी के सो जाओ और क्या। ड्राइवर सर, सामान अंदर पहुंचा दो। कायतरी संगुन कल्टी मार तो। सिमी, अरे मेरा पति घर आ गया, तुम जाओ। क्या क्या कह रही? तुमने कहा था दो दिन बाद आएगा। मेरा हस्बैंड नल्ला है तो मैं क्या करूं बाबा? अब तुम जाओ। जा तो। ना ऑफिस वालों को उसकी जरूरत है ना घर में मुझे। तुम जाओ यहाँ से। हाँ जा तो। मेरे पति के सामने जाकर मुझे मरवाओगे क्या? तुम दूसरे रास्ते से जाओ। कैसे? तो बोलो क्या करूं मैं? तुम प्लम्बर हो, मैं उस गधे से कह दूंगी और पाइप ठीक करने आए थे। अब जाओ। कहाँ से जाऊं? पाइप से जाऊं? मैं पाइप से क्यों जाऊंगा? मैं तो दरवाजे से ही जाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि तुमने मुझे यहाँ रखा हुआ है। मैं यहाँ क्या करता हूँ? सब्जियाँ काटता हूँ, घर में झाड़ू पोछा करता हूँ, तुम्हारे जूते पॉलिश करता हूँ, नौकर बनाकर रखा है। ये तुमने क्या बोल दिया श्री? मैं तुम्हें नौकर समझती हूँ, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाए। पागल हो क्या? तुम्हारा पति बार बार घंटी पे घंटी बजा रहा है और तुम यहाँ एक्टिंग कर रही हो। ए, मुझे ये सब मत सिखाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको, ये लो 2000 रुपए। अब तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे 5 बजे के बाद फोन करना। ओके ठीक है, जाओ। इनको भी ना अभी आना था। आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आमन बोल। ए तुम लोग निकल गए क्या? अरे मूड बनाया है, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। तितेश थांबा, मैं आता हूँ तुम्हारा गला गिला करने। चल इसको बोलते अच्छा फ्रेंड। अच्छा मैं 1 लीटर पेट्रोल भी लेकर आना प्लीज। ठीक है, लेके आ जाऊंगा। ऑटो देख 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 आ गया। मुझे हाथ मिलाना भी आता है और हाथ को तोड़ना भी आता है। अगर मैंने दोस्ती की है तो मैं उसे निभाना भी जानता हूँ। समझ में आया? अपना लाइफ है ना मैन, बिना फिज का सोडे जैसी हो गई है। एक तो डिस्काउंट पे फोटो शूट करता है और उतने बजट में इनको टाइगर श्रॉफ दिखना है, जॉन इब्राहिम दिखना है। कभी अपना दिल करता है कि मैं इनको राजपाल यादव बना डालू। इधर तो अपना कुछ नहीं होएगा, एक दिन कैमरा बेचकर दुबई निकल जाएंगे और उधर ऊड का गोबर उड़ाएंगे मन। मुझे भी पंजाब जाके खेती करनी पड़ेगी। ए, हर दिन क्या ऐसी बकवास बातें करते रहते हो? ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुमको क्या मैन, तुम्हारा लाइफ तो सेट है ना। एकदम टिप टॉप बंगले में जाता है, अंदर जाके कपड़े धोता है कि उतारता है ओनली गॉड नोज। लेकिन जब बाहर आता है तो जेब फुल भरा हुआ रहता है मैन। आंटी के शक्ल में तुमको लैंप का जीनी मिल गया मैन। मुझे देखकर घिन आती होगी ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता, पर मैं अपने जमीर से कैसे लड़ रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बस अच्छी बात यह है कि जब मांगो तब पैसे मिलते हैं और उसी से तुम्हारा खर्चा भी तो चल रहा है। तुम सब सेटल हो जाओ, उसके बाद उस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं। पर एक बात सुन लो, आज के बाद ये किस्मत वाली बात ना मेरे सामने मत करना। हमेशा ये हारे हुए लोगों की तरह मुंह लटका कर बैठने के बजाय एक ना एक दिन जीत जाओगे इस उम्मीद में, कॉलर उठाकर स्टाइल से जियो। अपन तो बिना कॉलर वाला टी शर्ट पहनते हैं मैन। देखा, शायद तुम्हें पता नहीं, जिंदगी एक कबड्डी है। हार के जीतने वाले को ही कबड्डी बाज कहते हैं और वो कबड्डी बाज मैं हूँ। मुझे लगता है तूफान आने वाला है, थोड़ी देर इधर रुकते हैं फिर जाते हैं। एक बार बोल तो मैंने तेरे अंदर का विश किया है।
फ्रेंड के वास्ते बारिश भी रोक सकता है। गॉड का और अपना अलग कनेक्शन है। हेलो हेलो, कल शाम को 5 बजे अलका ज्वेलर्स जाओगे ना तो वहाँ पर कैश रेडी मिलेगा। ठीक है। कैश मिलते ही मुझे फोन करना। ठीक है। सुनो, तुम अभी अकेले हो ना, बस एक बार बोलो ना। बोलो ना। हेलो सिमी, I love you। स्वीट बॉय, रखती हूँ। हाँ ठीक है। Hey man, बहुत दिन से अपन को तेरे से एक बात पूछने का था। तू वो लेडी को हमेशा सिम्मी सिम्मी काय को बोलता है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखिए। हाँ देखा ना मैंने। उसमें काजोल का नाम सिमरन होता है ना, जिसका पेट नेम सिम्मी बन जाता है। हाँ तो, और ये उसकी फेवरेट फिल्म है, इसीलिए कहना पड़ता है। शाहरुख तो एक बार प्यार से भी बोल ले, पर मेरी क्या हालत होती है मुझे ही पता है। बस एक बार अपने होठों से सिम्मी बोलना। क्या सोच रहा है, बोल डाल। तू गुलाम है, अपनी मालकिन की बात टाल नहीं सकता, बोलना। सिम्मी ये फूल, जोर से बोलेगा तो जवान घिस जाएगी क्या? चल बोल। प्यार से हंसते हुए बोल सिम्मी, बोलना। सिम्मी बस बोलते जा। सिम्मी सिम्मी सिम्मी, आओ क्या बात है। और बोलो। वंस मोर, एक बार और। छे, ये तो सिम्मी का टॉमी निकला मैन। वैसे आज अपन को ज्यादा चढ़ी नहीं लगता, ओरिजिनल माल था। क्या बोलता मैन, ड्राइव पर जाना चाहिए? कुटे जायजा नहीं है, बारिश खत्म होगी तो सीधा घर जाना है। हां यू गो मैन। अच्छा ए राघव लिसन, रेन इज फॉलिंग, छमा छम छम, कुछ करते हैं धमा दम, बोले तो धमाल। मने एक जगह खबर छे, चलते हैं। किधर मैन? कंचना महल के बारे में सुना है? दैट महल, वो अलवर पेट वाला ना। हां आज रात में उधर ही जाने वाला था। लेकिन मैन अपन सुना लोग उसको भूत महल बोलते। लोग बोलते रहेंगे, अपन अपना काम करते ना। मैं नहीं जाऊंगा। वाई मैन, काय को नहीं आएगा तुम? हाँ मुझे सुबह काम है, सुबह उठ के मुझे नारायण ज्योतिषी से मिलने जाना है। उनसे मिलने का माने हम चारों के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। हो यार, आई ने ऐसा कहा तो था, सुबह वहाँ जाना ही होगा। काय को, वो ज्योतिषी जो बोलेगा सच होएगा क्या? अबे वो जैसा बोलता है वैसे ही होता है। माय डियर अंधविश्वासी फेलो, तुम बोलेगा तो ज्योतिषी को भी साथ ले लेंगे। छोड़ना, तुम लोग जाओ, बारिश रुकते ही मैं रूम पे जाऊंगा, मगर इस बेवड़े के साथ नहीं रुकूंगा। बेवड़ा बोलता है? इसको लेसन सिखाना पड़ेगा मैं। ए, तुम दोनों जानते हो ना उसको अंधेरे से डर लगता है, मत कशाला भूत बंगले का बात करते हो। छोड़ो ना, जाने दो उसे। बहुत जाने दो मैन। ए राघव, पहला तो कंफर्म नहीं था पर आप पक्का जाएगा। बहुत चर्बी चढ़ा मैन तुमको। क्या कर दो अभी बताते हैं आप। मुझे ठंड लग रही है, घर ले चल यार। कम मैन, गेट डाउन। नहीं ए उतर ना यार। ए मैन उतर इसे। चल दे यार, चला। ओए की कर रहा है यार, लेट्स गो। ओ छट मेनू, ठंड लग रही है, डर लगता है। ओ यार छट यार प्लीज। ओए पेपे, ओए वापस चलते हैं यार। ये जगह आशिका है यार। बेबे
भाई गुरु चल वापस चलते हैं यार। क्या मैं डरता है क्या? इतनी मोटी जगह शहर के बीचों बीच खाली पड़ ली है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। हर इंसान अलग अलग कहानियां बताता है। हमें क्या लेना देना, सांप था क्या? अभी इसके डर को और बढ़ाता है। चल ना, चल, धक्का क्यों दिया? विमल, अपन को भेवड़ा बोलता है, अब उसका सारे चर्बी निकलेगा। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिवलोक उजागर। विमल, जय बजरंगबली। श्री शो था यूं? क्या देख रहा है? कहीं नहीं। ये आवाज सुनकर सचित जरूर डर गया होगा, है ना? क्या मैन, अपना ही हवा टाइट हो गया हा? तो उसका क्या हुआ होगा? सचित, विमल, विमल, ओ क्यों डरा रहे हो यार? तू ना ही सुधरना है ना? चल लो मैन, एंजॉय ना, काई को ऐसा बोल रहा है? उसकी जगह तुझे डराना चाहिए। यार कोई तो यार मेरे पास आ जाओ यार, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है मैन। अरे का है? थोड़ा थोड़ा देर हो रहा है, प्लीज प्लीज। हाँ ये कैसी आवाज आ रही है? भूत है, भूत तो नहीं है? श्री बचाओ, भूत आ गया। राघव, बस खूब चला, मैं जाता है। ए राघव, कम, लेट्स गो मैन। ए सचित, कहाँ है तू? सचित, श्री, उस तरफ से आ जा मैन। ए राघव, इधर आ। अबे क्या हो तुम लोग यार? सचित, एक क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मस्ती कर रहे थे यार, इतनी सी बात पे डर गया। सुनो, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, चलो जाइए।
जो भी हुआ भूल जा। क्या हुआ राघव? नहीं नहीं कहीं नहीं। ठीक है आ जा। सुबह सुबह ज्योतिषी से मिलना है, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। क्या मन राघव, कितना डरता है यार। गॉड प्लीज अपना कुंडली अच्छा निकले। हाँ निकलेगा निकलेगा। चल हे मैन, डांस बार वाली शांति ये शांति से ज्यादा बेटर है। सबको सुखी रखो। हाँ तो बच्चों पहले कौन दिखाएगा? मैं नहीं दिखा रहा। नहीं मैं भी नहीं। अपन भी नहीं दिखाएगा। ए, सब ना बोलेंगे तो क्या मैं दिखाऊं? अरे पहले तुम्हारा ही देख लेते हैं। हाँ तो जैसे ऑफिस में अंगूठा लगाते हैं ना, वैसे अपना अंगूठा लगा दो। कुंडली में क्या लिखा है पता चल जाएगा। लगाओ, बिना झिझके बिना डरे अपना अंगूठा लगाओ। हाँ हाँ, छोरा चटकीला घोड़ा, भड़कीला भड़कीला चटकीला छोरा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकलो मर जाएगी। तुम्हारा नाम कक्का किक्की कुक्कू कके इनमें से शुरू होता है क्या? नहीं नहीं होता। वो डब्बे में से तीसरा बंडल लेकर आओ जल्दी। तता तिति तू तू तेतई? बिल्कुल नहीं। पता ही था नहीं होगा, जरूर उसी बंडल में होगा। ये ले आए। तुम्हारा नाम श्री राम है ना? हाँ है। हाँ तो कुंडली कहती है कि तुम्हारे अंगूठे की रेखा चक्राधार वर्ण है और अंग्रेजी जन्मतिथि 26 पहला महीना 1988 हिंदी दिनांक माघ मास की त्रयोदशी। नाम श्री राम, पिता का नाम कृष्णराज, माता का नाम देविका है। कुंडली के अनुसार तुम्हारे माता पिता में से कोई भी अभी जीवित नहीं है। सही कहा ना? इन्हें कैसे पता? कुंडली बताती है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन पैसे कमाने के लिए बुद्धि के बजाय शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से बेइज्जती सहते हो। इन शॉर्ट तुम्हारी लाइफ कचरा है। हाँ तो 100% मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा बैंक अकाउंट जीरो रहेगा और बुढ़ापे में भीख मांग कर ही मरोगे। हाँ तो इन ताड़ पत्रियों में आगे क्या लिखा है देखते हैं। शकल से ज्यादा मनोज इसका भविष्य है। ये तो गया काम से। ये जो आगे लिखा है वो सुन के तो कान खुजाने लगोगे। इस जन्म में कोई बाप तुम्हें अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा, फिर भी किसी लड़की की किस्मत तुमसे भी खराब निकली और वो तुमसे शादी करने की जिद कर बैठी और मान लो बाप भी राजी हो गया तो उसी रात को वो तुमसे तंग होके तलाक मांग के निकलेगी। हाँ बूढ़ी किस्मत हो तो इसके जैसी। कुल मिलाकर तुम्हारी किस्मत लिखते हुए उनके पेन का निब भी टूट गया होगा। चल अंगूठा लगा। अरे ये तो यहीं पे है। वाट लगली। हाँ तो बेटा जो कह रहा हूं वो पूरा ध्यान से सुनना। अच्छा। इस लिपि के अनुसार तुम्हारा नाम विमल है, तुम्हारी माँ का नाम गीता है, पिता का नाम महेंद्र है। सही बताया ना? पंडित जी अपना फ्यूचर कैसे है? फ्यूचर? तुम्हारा दोस्त तो भीख मांग के जी लेगा पर तुम्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा। सड़ सड़ के मरोगे। आज ही सुसाइड कर लो तब शायद दूसरा जन्म बेटर हो। इस कुंडली में ग्रह नक्षत्र रफू चक्कर हो गए हैं, इसे पढ़ते पढ़ते मैं घन चक्कर बन जाऊंगा। अच्छा वो छोड़ो, अपना मैरिड लाइफ। ए! चलो बेटा किस्मत पढ़वा लो। नहीं मुझे नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाएगा? हमें भविष्य दिखाने के लिए इस गधे के पास कौन लेके आया था? हम लोग तो बेइज्जत हो गए, अब तेरी बारी आई तो ना बोल रहा। चल लगा अंगूठा। चलो इस पे लगाओ। ये पंडित अगर सचित के बारे में अच्छा बोला ना मैन तो ठीक नहीं होएगा। रुको मैं अंदर से लेकर आता हूँ। जय हो। कहाँ गया? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा? ऐसे पूछ रहा है जैसे लड़की तैयार बैठी है। राघव वैसे अपन में से स्पार्क्स निकल रहा है, उसको फायर मत बना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
प्रणाम। हमारे पास नहीं है इसकी लिपि, हमारे पास नहीं है। शनिवार तक एक नया बंडल आ रहा है, उसी दिन आके पढ़वा लेना। मैं गारंटी देता हूं कि इसका भविष्य भी घोर अंधेरे में है। चल मैं चलते। अरे यार शू करे छे, ये लो इसका भी निकाल के रखना, बहुत एंजॉय कर रहा था। हेलो पैसा, शनिवार को इनका भविष्य देखने आएंगे ना, तब ले लेना। हाँ तो बेटा जब आना कैश लेकर आना है। तुम्हारी कुंडली में से और कुछ देखो? नहीं, जितना देखा उतने से मैं खुश हूँ। अपन को तो फ्रॉड लगता है। मैं तेरे लिए बुरा बोल दिया तो फ्रॉड हो गया, उसने तो आई बाबा का नाम भी एकदम करेक्ट बोला। हेलो, हाँ कहिए। बेटा मैं नारायण ज्योतिषी बोल रहा हूँ, तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है, तुरंत आ जाओ। पंडित जी बहुत दूर आ गया हूँ, शनिवार को आता हूँ। नहीं बेटा बहुत जरूरी बात है, अभी के अभी आ जाओ। अरे पंडित जी वापस नहीं आ पाऊंगा, आप चाहे तो मैं कल आ जाऊंगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, बहुत अर्जेंट है, तुरंत आ जाओ। हेलो हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड मैन, काय को रुको इधर? तुम लोग घर जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे तू जान अमी, ये तो चल राघव। रात दिन सास बहू के झगड़े देखते रहते हो? इधर आओ, ये देखो। व्हाट? कंचना महल? हाँ मैन, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था? क्या हुआ था पूछ रहा है? पता है वहाँ कितने लोग मर गए? लोग कैसे मरे, क्यों मरे, कोई नहीं जानता। हर कोई अलग अलग कहानी सुनाता है, लेकिन सारी कहानियों में कुछ बातें कॉमन है। अगर उनकी बातों को जोड़ा जाए तो शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। 19वीं शताब्दी में जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय चेन्नई के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे पुर्तगाल के सेली जॉन कंचना डिमोंटी। विवाह के बाद डिमोंटी अपनी पत्नी को सेलिना कंचना डिमोंटी के नाम से बुलाने लगे। जॉन डिमोंटी की शादी की 10वीं सालगिरह पे उनकी मां ने उन्हें एक नायाब तोहफा दिया, लेकिन उसी दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो तोहफा था एक लॉकेट, कंचना लॉकेट। मेरी बीवी का ख्याल रखना। डिमोंटी दंपति को दो बेटे और एक बेटी थी। वक्त गुजरता गया, बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया, और उसी दौरान सेलिना बीमार रहने लगी। उसने अपने तीनों बच्चों को भारत बुलवाना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश
एक हादसे में तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। मायूस जॉन कंचना डी मोंटी ने अपना सारा कारोबार बेच दिया और वापस कंचना महल लौट आए। और महल पहुंचते ही वो सीधे अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचे। सर, आपको एक बात बतानी है। मैडम की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है सर, फीवर है और साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं। मैंने दवाई तो दे दी थी पर कुछ असर नहीं हो रहा। सर, कई दिनों से इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट करके देख लिया लेकिन तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये देखिए सर। Jonathan, जल्दी जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। You can leave now. जॉन डी मोंटी गॉड से प्रेयर करने लगे कि उनकी पत्नी सही सलामत रहे। She is 3 months pregnant. उनकी यूट्रस पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ब्लीडिंग भी हो रही है। लगता है इनका रेप हुआ है। यूट्रस को निकालने के लिए हमें उनका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं इस बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ क्योंकि वही ऑपरेशन करेंगे। अभी के लिए जितना मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगी। Now Mary Bevy और ना ही उसके बारे में कोई खबर इस घर से बाहर जाएगी। उसका जो भी इलाज किया जाएगा वो सब इसी घर में होगा। ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ होगा, मैं उन्हें इस तरह से यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। अपनी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर मानसिक रूप से प्रभावित हो चुके डी मोंटी डॉक्टर को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बात महल से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें उनकी बीवी का इलाज करने के लिए उन्हें महल से बाहर ले जाना ही होगा।
अगर इतनी सुरक्षा के बावजूद ये घटना महल के अंदर हुई है, इसका मतलब ये काम महल में रहने वाले किसी इंसान का ही है। और ये बात जॉन डी मोंटी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बदले की आग में जॉन डी मोंटी ने अपने सारे नौकरों को बेरहमी से भून डाला। साहब आपने इसे क्यों मारा? साहब, अरे साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा साहब, मुझे मत मारना साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे मत मारना, नहीं। हेलो, कहां छुपे हो? किसी को नहीं छोड़ूंगा। मोंटी ने कंचना महल को पूरी तरह जला दिया। इस घटना को हुए 300 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस महल में है। जिसने भी वहां रहने की कोशिश की, ना वो जिंदा लौटा ना ही उसकी लाश मिली। कई लोगों ने इस कहानी पर भरोसा नहीं किया और उस महल में पहुंच गए। आज तक उन लोगों की आत्मा कंचना महल में भटक रही है। एक आदमी ने उसे खरीदा, मरम्मत के लिए कुछ पेंटर्स भेजे, पूरा एक दिन मरम्मत का काम चला, लेकिन अगले दिन कोई मजदूर काम पर नहीं पहुंचा। जिंदा होते तो पहुंचते ना, 10 में से 2 पेंटर्स की सिर्फ लाशें मिली। एक के हाथ में कट्टा था और दूसरे की आंखें निकली हुई थी। उस हादसे के बाद वहां एक वॉचमैन रखा गया, लेकिन अगले दिन सुबह जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था उसी पेड़ पे फांसी पे लटका पाया गया। भक्त अजना, तू क्या फिल्मी कहानी सुनाई है इसने? और क्या? ओके, अपन तेरी बात मानता है। अपन लोग भी तो कल जाकर आया उधर, अपन लोग को तो कुछ नहीं हुआ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम लोग जिंदा हैं, उस महल में ऐसा कुछ नहीं है, इस बात के हम लोग गवाह हैं। ये कहानी और कुछ नहीं, किसी की उड़ाई हुई अफवाह है। लेकिन हाँ, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया, मैं उस महल में किसी और वजह से गया था। जॉन डी मोंटी की वाइफ सेलिना के पास बहुत ही कीमती लॉकेट था, और जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो उस घर के बारे में सब कुछ जानने वाले एक काका से मिला। मैं कई सालों से यहीं रह रहा हूं, लेकिन आज तक उस कंचना महल में जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ साल पहले उस महल में 2 लोगों की लाशें मिली, उसके बारे में तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। उन दोनों लोगों ने महल से डी मोंटी के तोहफे में दिए लॉकेट को चुराने की कोशिश की। कहते हैं इसी वजह से उन लोगों की मौत हुई, पर लॉकेट उनके पास नहीं मिला तो लोगों को लगा कि उसे कहीं बेच दिया। आखिर वो लॉकेट कहाँ मिला?
शायद उस लॉकेट में कोई जादुई शक्ति है। कोई भी उसे ले जाए लेकिन वो कंचना लॉकेट वापस महल में आ जाता है। क्या बात कर रहे, वहां पर तो सिर्फ कबाड़ ही पड़ा था, मुझे नहीं लगता वहां कुछ और था। नहीं, लॉकेट था। ये रहा वो कंचना लॉकेट। जानते हो इसकी कीमत क्या है? 100 करोड़ से भी ज्यादा। अब ऐसा स्टोन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस स्टोन के बारे में मैंने बाहर भी पूछताछ की और पता चला है कि ये करोड़ों में बिकता है। क्या बात कर रहा है मैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। पूरा लॉकेट बेचेंगे तो हम सब फंसेंगे, लेकिन इसके छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह बेच सकते हैं। ऐसा करने से हम चारों बहुत पैसे कमाएंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। और ये रॉन्ग है मैन। अगर इसने जो किया उससे अपना फ्यूचर सुधर सकता है तो इसने जो किया वो रॉन्ग नहीं है। लोग क्या क्या बेईमानी करते हैं, वो लोग कभी फंसते हैं क्या? ना इसने किसी गरीब को लूटा है, ना ही किसी के गहने चुराए हैं। ये कंचना लॉकेट तो बेकार ही पड़ा था ना। अगर हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उसमें गलत क्या है? तू घबरा मत राघव, मैं तेरे साथ हूं। ए श्री, लॉकेट मुझे दे। हम में से कोई भी लॉकेट के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है? समझ गए? पर इस टाइम कौन आएगा? श्री, दरवाजा खोल। सर, मिडनाइट मसाला से डिलीवरी है। डिलीवरी बॉय आया है। कितना हुआ? 650 सर। का है रे? जेब में जितने पैसे सारे खर्च करवाएगा क्या? अब 50 रुपए ही बाकी हैं। आ जाएंगे मैन, कल भी किसी काले को गोरा कर देंगे। कोई मछुआरा समंदर की तरफ नहीं जाएगा, तूफान के आने की संभावना है। डेली इतनी बारिश हो रही है। गुज्जू भाई, आज भी किधर बाहर चलता क्या? एक बात तो है मैन, कुछ भी बोल, कल कंचना महल में मजा बहुत आया। नहीं, सचिन ने तो पैंट में ही सूसु कर दी थी, बारिश में किसी को पता भी नहीं चला। हे मैन, चल आज वापस उधर जाते क्या? कैसे जाएंगे, जेब में 50 रुपए ही बचे हैं। ओके, तो इधर इस घर में बैठ के हॉरर मूवी देखते हैं ना। श्री से कुछ समझाना, कब से भूत भूत किया जा रहा है। चल बगुया ना, एक काम करना, तेरे पास भूत की फिल्म है तो लगा दे। देखता हूँ। ये भी ना, बैटरी टिकती नहीं है इसमें। एनाबेल, कॉन्जरिन, ओ ये जैपनीज हॉरर भी है। ओहो, तो इंग्लिश मूवी से स्टोरी चुराता है तो मैन। ए तू गांडो छेके, ये मेरा प्रोफेशन है, ये तो श्री ने बोला इसलिए देख रहा हूँ। क्या मैन, गुज्जू भाई तो गुस्सा हो गया। ए तू टेंशन मत ले, तुझे जो पसंद है वो लगा दे। ये वाली देखते हैं, जैपनीज फिल्म है, मजा आएगा। अपने लिए तो सब मुशी मुशी है। ए मैन, ये सचित को किधर सोने के कॉन्टेस्ट में भेजा क्या? फर्स्ट प्राइज लेकर आएगा, ऑस्कर ऑस्कर लाएगा। श्री तो उस तरफ बैठ। काय को मैन, अपने साथ बैठने को शर्म आता है क्या? ओ बिग मैन सॉरी सॉरी, बड़ा आदमी है। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग भी। ए गुजू मैन, क्या बोला फिल्म का नाम? जापानीज मूवी है ना? ये जापान की मूवीज में आइटम सॉन्ग होता है क्या? ए, ये फिल्म भूत की है, इसमें ये सब नहीं होता। सो व्हाट, भूत क्या गाना वाना नहीं सुनते? लगता है इसने जानी दुश्मन नहीं देखा मैन। ये वैसी फिल्म नहीं है, चुपचाप देख। गुज्जू भाई इतना सीरियस क्या है? We'll be right back.
श्री टीवी ऑफ कर देना मैन। मत, देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ जा रहा है? हल्का हो क्या था मैन? हाँ समझ लो। अरे सच में हल्का होने जा रहा है यार।
अरे सुन, दरवाजा खोल। कितना टाइम लगाएगा यार? तू बैठ ना, मैं आता है। इतना बोलने में इतना टाइम? ठीक है, लव करिए। इतनी देर से वो अंदर क्या कर रहा है? क्या पता। श्री, चलना खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। रुकना, उसे भी आने दे। अगर बारिश और बिजली इसी तरह गिरती रही ना, तो पूरी बिल्डिंग हिल जाएगी। यहाँ की दीवारें कमजोर हैं, हवा के झोंके से भी गिर जाएंगी। जा, एक कैंडल जला ले। पानी कितनी जगह से टपक रहा है। ए राघव, एक बर्तन और लिया। ए, क्या कर रहा है तू राघव? राघव, ए राघव, ये क्या कर रहा है तू? उसके पास क्यों जा रहा है? मेरी बात सुन राघव, कैंडल बुझा दे। एक कैंडल बुझा दे। क्या हो गया तुझे राघव? मेरी बात सुन।
ए सुन, टीवी ऑफ कर दे। प्लग निकाल दे। लाइट जला। किसे फोन कर रहा है? एक मिनट रुक। ये बारिश शुरू होते ही आदमी जान गाने लगते हैं। या शॉर्ट हो गया, वहाँ लाइट चली गई, दिमाग खराब कर देते बाबा। हेलो, कौन है? हेलो भैया, मैं पटेल नगर हाउसिंग बोर्ड बी ब्लॉक मधुन बोलता हूँ। यहाँ लाइट नहीं है, आप जल्दी आ जाए। ऐसा कैसा, मैं तो अभी उधर से ही चाह रहा हूँ। वहाँ तो पूरा करंट है। मैं कह रहा हूँ ना, बिजली चली गई, आप आइए। अरे बिजली चली गई तो एकदम से फोन करते क्या तुम लोग? थोड़ी देर वेट करने का, बिजली अपने आप आ जाएगी। भैया थोड़ा अर्जेंट है, आप जल्दी आइए ना, आप जितना बोलोगे पैसा दूंगा। जितना बोला उतना देगा तू? अरे वाह। चल एड्रेस लिखा, बी ब्लॉक पटेल नगर। क्या बोला मैंने, आ रहा है ना इधर। ये क्या हो रहा है बहन? भैया भैया मतलब फंस गए। भैया भैया यार, इसी बिल्डिंग में बताया था ना। एड्रेस की पर्ची कहाँ है? अपनी जेब में देख, तेरे पास होगी। हाँ ये रहे। बिजली ऑफिस। हेलो भैया, पटेल नगर से बात कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम आधी फोन किया होता ना। कहाँ से? अरे भैया पटेल नगर हाउसिंग बोर्ड बी ब्लॉक, आप जल्दी आ जाइए ना भैया। क्या भाव, दारू पी है क्या तूने? मैं अभी पटेल नगर से आया, फ्यूज गया था, मैंने रिपेयर किया और तूने तो मुझे 50 रुपए दिए है ना। हेलो, क्या बाबा, ये
कि क्या हुआ? 50 रुपए गायब हो गए। क्या? और वो कह रहा था कि वो आके गया। ए, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, टीवी नहीं चल रहा, लाइट फूट रहा, दरवाजा खुल नहीं रहा। देख अपन लोग बाहर नहीं जा सकता, स्टोरी फिनिश, अपन फिनिश। तू थोड़ी देर शांत रहेगा, मेरी बात ध्यान से सुना। दोपहर को जब हम उस ज्योतिष को मिलकर घर आ रहे थे तो मुझे उनका कॉल आया था, बहुत घबराए हुए थे। जब मैं वापस उनके घर गया तो उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी। क्या? वो मर गया? तूने हमें क्यों नहीं बताया? उसने कहा हम सब खतरे में हैं। मैंने सोचा ये सब तुम्हें बताकर खामखा तुम लोगों को क्यों डराऊं, इसीलिए नहीं बताया। पर अब मुझे शक हो रहा है, वो इंसान मुझे कुछ बताने वाला था पर ठीक से सुनाई नहीं दिया। ला मुझे फोन दे, तेरे फोन में रिकॉर्डिंग ऐप है ना? हाँ है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ना हम दरवाजा खोल पा रहे हैं, ना हमारी बात किसी को सुनाई दे रही है। सुबह होने तक ऐसे ही बैठते हैं, देखते हैं कोई मदद मिलती है या नहीं। तब तक ना तो कोई सोएगा और ना ही अकेले कहीं भी जाएगा। ओए विमल, तुझे बाथरूम नहीं जाना क्या? जाने का है मैं, पर अपन नहीं जाएगा। पर मुझे जाना है। तो जा मैं। श्री ने अभी कहा ना, सुबह होने तक कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा। तू बोलना क्या चाहता है? अरे अजून कितनी टाइम करशील? तू रुकना भाई, डर के मारे निकले ही जा रहा है। मैंने अपना मुंह ऐसा काय को बनाता है? तेरा मुंह देखकर और डर लग रहा है मालूम? किधर जाता है? मैंने रुकना बाथरूम में, रुकते ना सुबह तक। फोन दे तेरा।
फोन तो स्विच ऑफ है। ए तू अपना फोन दे। ए बाकी फ्रेंड लोग को भी बुला लेना। आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ये कॉल पूरी नहीं की जा सकती। कृपया 10 रुपए का छोटा रिचार्ज करें। बैलेंस नहीं है। नहीं होएगा यार। तुझे छोटा रिचार्ज दिया था ना? हाँ वो यूज किया ना मैंने। तो ये फोन क्यों रखा? क्या मैंने इनकमिंग तो आ सकता है ना? मेरे पास एक आइडिया है, पक्का काम करेगा। कैसा आइडिया? क्या है? काम की चीज है, इसे ओजा बोर्ड कहते हैं। इसके जरिए हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। हम आत्माओं को बुलाएंगे, आत्माएं आएंगी और सवालों के जवाब देंगी। ये बोर्ड तेरे पास कैसे आया? बात यह है कि मुझे अपनी कहानी के लिए कुछ डिटेल्स चाहिए थी। भूत होते हैं या नहीं ये जानने के लिए मैं फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है तुझे। अब देखा ना तूने क्या कर दिया। कल कितनी बार कहा कि उस घर में नहीं जाते, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। अब हमें यह सोचना है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, और मुझे यकीन है ये काम करेगा। मुझे इस सब पर भरोसा नहीं है, गुस्सा मत दिला रहा। तू मेरी बात मानी ले श्री, मैं जानता हूँ ये काम करेगा। मैं इसके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ। श्री एक बार ट्राई करते ना। मैं मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कैंडल्स अपने आप जलने लगेंगी। अगर ऐसा हो गया मतलब इस घर में आत्मा है। हम जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब ये कॉइन यस या नो पर आकर देगा। तू अपना हाथ दे। विमल तू श्री का हाथ पकड़। जब तक मैं ना कहूं हम में से कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा। तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा हो? मैं ये क्या सवाल करता है यार? यार ऐसे ही पूछा जाता है। अच्छी आत्मा सूरज पर रुकेगी और बुरी आत्मा चांद पर। ठीक है पूछ। तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा हो? अच्छी आत्मा है यार। तुम्हारे अलावा इस घर में कोई और आत्मा मौजूद है क्या? तुम हमारी मदद कर सकती हो? अच्छी आत्मा बताओ ना, हमारी मदद कर सकती हो? क्या हमें यहां से बाहर निकाल सकती हो? राघव मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा हाथ छोड़। नहीं नहीं हाँ मेरा हाथ मत छोड़ श्री। क्या हम जिंदा बच पाएंगे? हम यहां से निकल पाएंगे? राघव बेवकूफी मत कर, मुझे गलत लग रहा है। रुक जा श्री, क्या हम जिंदा बचेंगे? हमें जवाब दो प्लीज। राघव ये सगड़ ठीक नहीं है, मेरी बात मान, हाथ छोड़ राघव। राघव
मैंने हाथ छोड़ने से मना किया था ना, लेकिन क्या ये सब जला इस बोर्ड को? मैंने कहा था ये बोर्ड काम करेगा, अब तो तुझे मेरी बात पर यकीन हो गया? मैं कह रहा हूँ वो सुन इसे जला दे। अरे इसे जलाएंगे तो हम तीनों की मौत हो जाएगी। जिसके सामने रुकेगा वही सबसे पहले मरेगा। वो कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कभी सोचा नहीं था इस सज्जन से भी डरना पड़ेगा। हम लोग पहले जहां बैठे हुए थे फिर से उसी जगह पर बैठते हैं।
राघव क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है? क्या बोल रहा है तू? हमें तेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है। ये क्या बोलता मैं? राघव तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। पास मत आ, वहीं रुक। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। अपन भी मरेंगे। नहीं ऐसा मत बोल यार, मेरी बात सुन। अपन भी जल्दी मरेंगे ना। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अपन जैसा टीवी पे मरा था ना राघव गुज्जू भाई, वैसे ही मर गया। अपन भी जल्दी मरेगा, गॉड के पास जाएंगे। अपने को वो कंचना लॉकेट नहीं उठाना चाहिए था, उसको इधर घर में लेकर नहीं आने को चाहिए था। अभी अभी देख, थोड़ी देर में अपन दोनों में से किसी का आगे वाइट होगा और दोनों में से कोई एक मर जाएगा पक्का। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरी बात पक्का मरेगा, मेरी तरफ देख। नहीं बच्चा, जो कह रहा है वो सुन। यहां देख, तुझे और मुझे उस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। राघव ने वहां से कंचना लॉकेट उठाया ये भी हम नहीं जानते थे। हमने कुछ नहीं किया यार। जो कुछ भी टीवी में हमने देखा था, अगर वैसा भी होने वाला है तो टीवी में एक और बात हुई थी, तूने ध्यान नहीं दिया।
तेरे और राघव के मरने के बाद मैं दरवाजा खोलकर बाहर गया था, लेकिन अब वो नहीं खुल रहा है। इसका मतलब यहां से बचकर जाने का कोई रास्ता जरूर है। अगर उसका पता लगा लिया तो हम दोनों बच सकते हैं। मेरी बात समझ रहा है या नहीं? तुम्हारा बात अपने को सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? कैसे सुनाई देगा? तू तो बच गया ना, मैं मर गया, उससे तुझे क्या करना है? तू तो जिंदा रहेगा। ए श्री, तेरा बात अपने को सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई भी नहीं देगी, कैसे सुनाई देगी? तू तो बच गया ना, मेरे मरने से तुझे क्या? मैं तेरा बात अपने को सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, कैसे सुनेगा तू? अरे सुन, अरे यार, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ यार? हे सुनना, मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। मेरे भाई, तेरा यकीन कर।
मैंने मना किया था ना मेरे यार, फिर क्यों मुझे कंचना महल लेकर गए थे? सचित यार, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, इतना सब कुछ हो जाएगा सोचा भी नहीं था यार। बहुत डर लग रहा है श्री, मुझे यहां से लेकर चलोगे क्या? आजा सचित, चलते। बहुत डर लग रहा है श्री, मुझे यहां से लेकर चलना यार। तू डर मत सचित, हम चलते हैं।
बेटा तुम्हारा दोस्त सचित कली मर चुका है, अभी जो तुम्हारे साथ है वो कोई और है, तुरंत वापस आ जाओ। बहुत डर लग रहा है श्री, मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। आ जाना सचित, चलते हैं। बहुत डर लग रहा है श्री, मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। शहर की बत्ती गुल है पर हमारे कॉलोनी की बत्ती दो मिनट में वापस पावर की माया है। जानते हो ये चमत्कार कैसे हुआ? एमएलए की गर्लफ्रेंड इसी कॉलोनी में रहती है। मेरे साथ चलो भैया, मेरे रूम में मेरे दोस्त मरे पड़े हैं, भैया मेरी मदद कीजिए। इससे मुझे याद आया कि सामने वाले फ्लैट में माया नाम की लड़की रहने आई है, बहुत ही तेज चीज है यार। सुना है कि यहाँ हीरोइन बनने के लिए आई है वो। अरे भाई तुम तो दूर ही रहना क्योंकि कुछ हाथ नहीं लगने वाला। पिछले साल की बात याद है ना गुप्ता जी, उन्होंने लाइन मारी थी पड़ोसन पर, बीवी को पता चल गया तो गुस्से में पति को ही मार दिया। अब तो वो गुप्ता जी की आत्मा ना घर की रही ना घाट की। भैया बाबा मैं उस माया की तरफ देखूंगा भी नहीं। हाँ कैसा आदमी है तू, मैं मदद मांग रहा हूँ ना। है कि उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। क्या बात करता है, तू आत्मा पे विश्वास करता है? मेरा तो इन पर यकीन ही नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। ये आत्माओं का कोई भरोसा नहीं है, अगर निकल कर आ गई तो क्या होगा, मैं तो घर चला। चलो मैं भी बंदी कर देता हूँ, घर जाके गोल्ड माइन की फिल्में देखूंगा। अच्छा कौन सी वो नई पिक्चर, कौन सी आ रही है क्या? हाँ डीजे नाम है, सुना है बहुत अच्छी पिक्चर है, तो वही जाके देखूंगा। ज्यादा देर मत कर चल। कंचना फिर से कंचना महल पहुंच जाती है। पिछले 300 सालों से कंचना लॉकेट ने कंचना महल नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। वहां पर तो सब कबाड़ ही पड़ा था, हम अंदर गए तो कुछ भी नहीं था। नहीं, कंचना लॉकेट था। लोग ऐसा कहते हैं कि चेन अगर डिमोंटी का घर छोड़कर जाती है तो फिर वहीं वापस आ जाती है। Something.